नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, वहीं अगले महीने चुनावी तैयारियां भी शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से समय समय पर कई अपडेट जारी किए गए हैं, जिसके तहत चुनाव संपन्न करवाने से लेकर चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल का जिक्र किया गया। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों द्वारा रैली और जनसभा के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब कोई भी उम्मीदवार चुनाव से पहले रैली या जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार अगर रैली या जनसभा का आयोजन करना चाहता है तो वो केवल निर्धारित जगह का ही चयन कर सकता है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, सभी उम्मीदवार रैली या सभा के आयोजन के लिए पहले ही सभा स्थल को चिन्हित करने का काम करेंगे। साथ ही स्थल पर प्रवेश और निकासी के लिए भी तय किए गए मानक को पहले ही साफ कर देंगे। ऐसे चिन्हित स्थल पर अग्रिम तौर पर मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए रैली या जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही रैली और जनसभा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जो कोरोना संबंधी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। इस बाबत आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब सभा के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी नजर रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर में चुनाव संपन्न करवाने की तैयारी हो रही है। हालांकि बिहार वर्तमान समय में कोरोना और बाढ़ की दो तरफा मार का सामना कर रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए भी वर्तमान समय में बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को इस बात की उम्मीद है कि पंचायत चुनाव का आयोजन इस बार समय से करवा लिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार शुरू हुआ ईवीएम का मामला अब बिहार में सुलझा लिया गया है, जिसके कारण ही बिहार में ईवीएम आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अगले 15 दिनों में सभी जिलों को पूरी तैयारी करने का फरमान जारी किया गया। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इस बार चुनाव में करीब 1.83 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर तमाम राज्यों से ईवीएम उपलब्ध करा ले। इसके साथ ही आगामी 15 दिनों के भीतर सभी ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।